प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार दूसरी बार सत्ता में है। लगातार विकास के वादे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें परेशान करने वाली है। लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। ये हालात अभी के नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, पर भ्रष्टाचारी और नौकरशाही की मनमानी के चलते विकास यहां तक नहीं पहुंच पाया। दरअसल हम बात कर रहे हैं बांदा के नरेनी विधानसभा के 13 महुटा गांव पंचायत के पांडेपुरवा की, जहां के ग्रामीण सैकड़ों सालों से बदहाली जैसी स्थिति में रहने पर मजबूर हैं। बदहाली जैसी स्थिति को झेलने के लिए मजबूर हैं। आज भी लोग अपनी दुर्दशा बयां करते करते रो पड़ते हैं। लोगों ने बताया कि भाजपा विधायक ओम मणि वर्मा ने तो उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, देश के जवानों की शहादत में भी ये शामिल नहीं हुए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कई युवा बॉर्डर पर देश के लिए जंग लड़ रहे हैं। वही जब सन 2017 में गांव का एक बेटा देश के लिए शहीद हुआ था, तो उसकी शहादत में सांसद, विधायक और जिलाधिकारी सहित कई नेता अधिकारी शामिल हुए। तब यहां की दुर्दशा देखकर जल्द सड़क बनवाने का वादा भी किया गया था, और ये भी वादा किया गया था कि ये सड़क जो है वो शहीद जवान के नाम से बनवाई जाएगी, उनके स्मारक भी लगाए जाएंगे, पर आज तक यहां कोई झांकने तक नहीं आया है। इतना ही नहीं, बीते 3 महीने पहले भी गांव के एक बेटे की शहादत हुई थी, जिसमें नरेनी विधायक ओम मणि वर्मा शामिल होने तक नहीं आए हैं। वहीं जब हमने शहीद जवान के भाई से बात की तो उसकी आंखों से आंसू छलक गए। वो रोने लगा, दर्द इतना असहनीय था कि आंसू रुके ही नहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं समय फिर से पहुंच चुका एक बार नारायणी विधानसभा क्षेत्र, जो 13 ग्राम पंचायत के पांडेपुरवा का मामला है। मैं आपको बता दूं कि वही भाजपा विधायिका ओम मणि वर्मा का क्षेत्र है जो हमेशा चर्चाओं में रहती है। आपको बता दूं कि इस गांव के 5 लोग आर्मी में थे जो शहीद हो गए। शहीद के समय अधिकारी नेता सारे मौजूद रहे, लेकिन अभी तक इस रोड का निर्माण नहीं कराया गया। अब पूरी सच्चाई आपको गांव चलकर दिखाएंगे, जो हमको ग्रामीण आगे लेकर जाएंगे। देखिए, हम इस समय गांव वालों की मदद से, मैं आपको गांव वालों को दिखा दिया, और इस ट्रैक्टर में बैठ के हम लोग 1 किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक पहुंच गए। जहां खड़े हैं ये पीपल का पेड़ है, आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखा दूं कि ये पीपल का पेड़ है। विगत 2 महीने पहले अभी सीआरपीएफ के जवान चिंतामणि त्रिपाठी चिंतामणि पांडे, जो सीआरपीएफ में ड्यूटी के दौरान जिनकी मौत हो गई, और उनको जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया तो इसी पेड़ के नीचे उनको रख के यहाँ से पैदल कंधों में ले जाकर गाँव तक पहुँचाया गया, और सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन इस गांव की हालत को देखकर आपको समझना होगा कि इस गांव की हालत कितने बद से बदतर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर खड़ा है, हम लोग इसी ट्रैक्टर से बैठकर मेन रोड से चलकर यहां 1 किलोमीटर तक पहुंचे हैं। अभी आगे का सफर जारी रहेगा, इसी ट्रैक्टर में बैठकर गांव तक पहुंचेंगे और गांव की सच्चाई को आपको दिखाएंगे। गांव की तरफ गांव वालों की मदद से और इस ट्रैक्टर में बैठ के गांव की तरफ जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे गांव के कितने लोग लगे हैं और कितने लोग हमारे साथ जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 2017 में इस गांव का एक आर्मी का जवान शहीद हुआ,
शहीद होने के बाद यहां अधिकारियों ने, नेताओं ने आके ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया कि यहां शहीद द्वार बनेगा और शहीद के नाम से ही ये रोड सड़क बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक ये सड़क नहीं बनाई। आपको और बता दूं कि ये लगभग 1.5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, जो आपको कैमरे के माध्यम से दिखा दूं कि किस तरह का कच्चा रास्ता है, और ग्रामीणों ने लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाए, नेताओं के चक्कर लगाए, लेकिन अभी तक इनकी समस्या से हल नहीं, समस्या को दिया गया। आप देखिए, अब गांव चलकर हम आपको दिखाते हैं कि लगभग कितने सालों से ये रोड नहीं बना, कितनी पीढ़ियां गुजर गई, फिर भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं। मैं समय फाइनली पहुंच चुका हूं 13 ग्राम पंचायत के पांडेपुरवा में, जो नारायणी विधानसभा के अंतर्गत नारायणी ब्लॉक में आता है। मैं आपको बता दूं कि ये वही गांव है, शहीदों का गांव, जहां दो जवानों को खो दिया इस गांव ने, लेकिन इस जवान के गांव में अभी तक रोड नहीं बनी। मैं आपको दिखा दूं कैमरे के माध्यम से कि जिस तरह से हम चलकर मेन रोड से चलकर गांव तक आए हैं, कितनी मशक्कत के साथ आए हैं, ये हम ही जानते हैं। आपको बता दें कि मैं उन्हीं शहीद के घर के पास आया हूं, चिंतामणि पांडे के घर के पास, जहां पर 2 महीने पहले अभी वो शहीद हुए ड्यूटी के दौरान, और मैं उन्हीं के घर के सामने मौजूद हूं, उन्हीं के परिवार के सामने मौजूद हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उनसे बात करके जानना चाहता हूं कि आखिरकार उनकी समस्या का निदान अभी तक क्यों नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं चिंतामणि पांडे की माँ जी से कि आखिरकार ये रोड के वादे अधिकारी और नेता करके गए, लेकिन अभी तक उनको ये रोड नहीं बनाई गई। माता जी, क्या नाम है बताओ? अच्छा अच्छा जिस समय आपके बेटे शहीद हुए थे, यहाँ आए थे, लेकर आए अधिकारी, तो अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिया था? अच्छा, आश्वासन रोड के लिए किसी तरह का आश्वासन दिया? चलिए, मैं आपको बता दूं कि 80-90 साल की वृद्ध हैं, बोल नहीं पाती, बातों को समझ नहीं पाती, तो मैं उनके भाई से ही जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार क्या था पूरा मामला, किस तरह से आश्वासन दिया अधिकारियों ने, और आश्वासन देने के बाद भी आज तक यहां रोडें नहीं बनी। आप गांव के अंदर आ जाइए तो कहीं भी किसी तरह की कोई रोड नहीं, गाँव के लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? विजयकांत पांडे। क्या था ये पूरा मामला? ये मामला सर पूरा रोड का ही है। जिस दिन भाई साहब शहीद हुए, शिवपुरी में वो शहीद हुए थे, वहाँ से सीआरपी के जवान उनको लेकर आए, यहाँ रोड से उनकी बॉडी यहाँ नहीं आ पा रही थी, तो गांव वालों ने मिलकर उनकी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया। रास्ते का बुरा हाल आप देख ही रहे हैं, उसके बावजूद जो सीआरपी के जवान यहाँ सेरेमनी परेड के लिए आए थे, उनके उन्होंने अपने जूते और ड्रेस रोड में उन्हें उतारने पे मजबूर होना पड़ा, और जूते हाथ में लेकर अपनी ड्रेस उतार कर पुनः यहाँ आए, यहाँ हाथ पैर धोकर उन्होंने ड्रेस पहनी, उसके बाद उनको जो है सेरेमनी परेड के लिए जो है तैयार हुए। ये दशा है यहाँ पर। बहुत प्रधान 13 प्रधान से कहा गया कि कम से कम, और नहीं तो कम से कम मोहरम डलवा दीजिए कि 13वीं के लिए उनके जो यहाँ गेस्ट वगैरह आएंगे उनको दिक्कत ना हो। डीएम बांदा से भी कहा गया, इसके लिए डीएम बांदा ने भी कहा कि आपके लिए इतना जल्दी रोड तो नहीं बनेगी, लेकिन मोहरम का व्यवस्था की जाएगी। 13 प्रधान को आदेशित किया गया, लेकिन एक भी ग्राम यहाँ मोहरम नहीं पड़ी। और ये रास्ता कम से कम ये हमारा पूरा 300 साल पुराना है। जब 300 साल पहले प्लेग की बीमारी आई थी, तब ये पुरखे हमारे मौका से यहाँ आए थे। उस समय का पुरावा बना है, आज तक एक भी रास्ता नहीं है इसमें, एक भी नाली नहीं है, एक भी आरसीसी नहीं है, रोड नहीं है। इस कीचड़ में बदतर जीवन व्यतीत करने के लिए यहाँ का आदमी परेशान है। जानवर भी इस तरह में नहीं रहेंगे। देखिए सरकार इसको कि जानवर भी इस तरह में रहने के लिए मजबूर है, ये हमारे बांधन के बांधे पे। अगर हम इनको खोल दें तो ये भी चले जाएंगे, इंसान की तो बात ही। अच्छा, आपके घर में भी अभी लगता है कि 5 जो है फौज में है? हाँ है, भाई साहब थे थे, वो रिटायर हैं अभी, एक भतीज भी है, एक भाई भी है, और भी यहाँ पर हमारे परिवार के लड़के भी फौज में थे, कोई फौज में है, कोई रिटायर हो गया है। 3-3 जवानों को तो ये प्रोवा खो चुका, वो चले गए सेवा करके, लेकिन उनके परिवारों की अब दशा देखिए क्या है। देखिए, मेरे साथ शहीद जवान चिंतामणि पांडे जी के बेटे मौजूद हैं,
मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्या है, किस तरह का मामला है। रोड नहीं बने, शहीद हुए वो, फिर भी आश्वासन के बाद रोड का कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया। अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया, फिर भी सब वहीं का वहीं पड़ा। क्या नाम है? मेरा नाम कौन था? तो क्या मामला है पूरा? रोड अभी तक यहाँ रोड का वादे किए जाते हैं, वादे करने के बाद कार्रवाई और मामला और कहीं कुछ नहीं, बनाना नहीं, काम नहीं। जब काम नहीं किया जाएगा किसी विषय में तो उसमें कुछ होने वाला नहीं, बस इसीलिए पड़ा है। तो यहाँ कोई ध्यान भी नहीं देता है। आप अपने क्षेत्र के विधायक? हाँ, विधायक से मिले, 3 बार गए मिलने। कई लोग गए हमारे साथ में, दादा का साथ, वहाँ पहुँचे, कई बार अप्लीकेशन दिए, हो जाएगा बस यही कहा जाता है। डीएम के पास भी हो जाएगा, अब क्या किया जाए, हो जाएगा बस। विधायक बनने के बाद उमड़ी वर्मा नहीं, ये जब पापा शहीद हुए तभी नहीं आए, जबकि बताया भी गया था। प्रधान 13 प्रधान एसओ ने जब दबकाया तब आया, वो भी नहीं आ रहा। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ये सब कहने के लिए कोई मतलब नहीं। देखिए, क्या नाम भैया? मेरा नाम शशिकांत पांडे है। क्या मामला हुआ? रोड का मामला ये है कि हमारे यहाँ 2017 में इंडियन आर्मी में थे हमारे एक छात्र थे, हमारे गाँव के तो शहीद हुए थे। उस टाइम भैर प्रताप मिश्रा जी सांसद थे और विधायक जी हमारे राजकुल कबीर जी थे, यहाँ मौजूद थे और तमाम अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने वादा किया था और कहा भी था कि आपकी 1 साल के अंतर्गत ये शहीद के नाम से रोड और स्मारक गेट बन जाएगा। ना ही रोड बनी, ना ही स्मारक गेट बना। और इसके बाद 2024 में हमारे दादाजी, जो मैंने पहले भी शहीद हुए हैं, आरपीएम में थे, दिल्ली तनाव थे, इसके बाद हम लोगों ने जो है उनकी बॉडी को कंधों में लेकर के यहाँ लेके घर पहुँचे। अभी अगर रात में कोई बीमार विमान पड़ जाता है तो उनको 4 पाई मिले टा करके हमको मेन रोड तक जाना, 2 किलोमीटर रोड जाना पड़ता है, तब जाके मेन रोड मिलती है। या एम्बुलेंस में कोई आ पाती तब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कई ऐसे हमारे साथ घटनाएं हो गई हैं, कई मौतें हो गई हैं कि हम लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। जैसे कोई जानवर बीमार हो जाता है, जानवर भी खत्म हो जाता है क्योंकि कोई डॉक्टर आने तैयार नहीं है, रास्ता यहाँ नहीं है। और छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, विकलांग है, वो यहाँ से मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, दवा नहीं करा पा रहे हैं। बड़ी समस्या है और ये 300 वर्ष हो गए इस प्रोग्राम में, आज तक ये रोड एक RCC नहीं बनी हुई। मैं विधायक जी के पास गया, ओमड़ी जी के पास, इसके पहले राजकरण कबीर जी के पास गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, कहते हैं आप जाओ, आपका जो है काम कल या 2-3-4 दिन बाद हम स्टार्ट करवा देंगे। हमने विभाग में बात कर लिया है, हमारे सामने फोन में बात करेंगे क्योंकि हमने पीवल विभाग में बात किया है और आप जाइए, आपका काम चालू होगा, सेंसर हो गया, एस्टीमेट बन गया। मिला के आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिलता है, मतलब काम के काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पीवल विभाग में बात किया है और आप जाइए, आपका काम चालू होगा, सेंसर हो गया, एस्टीमेट बन गया। मिला के आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिलता है, मतलब काम के काम नहीं करते हैं। डीएम साहब के पास हम कई बार हो आए हैं, हर अधिकारी चक्कर काट चुके हैं, लेकिन यहाँ रोड के विषय में कोई नहीं आ रहा है। सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आप जाइए, आपका काम होगा, कल हो जाएगा, लेकिन इसी तरह करके करके आज 3 वर्ष पूरा हो गया, हमारे तक रोड नहीं बनी। देखिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार की दिक्कतें हैं उनको, किस प्रकार से वो यहाँ जीने को मजबूर है। क्या नाम है माता जी? किस तरह की दिक्कतें हैं आपको? दिक्कत आए हैं रोड में, कीमत 15 दिनों के ऊपर खाना है तो रास्ता जा नहीं पा रहे, वही इनके समस्या हमारी, हमारे रोड चाहिए ना तो पास शौचालय आ, न तो कॉलोनी या कुछ, कोई समस्या नहीं, सरकारी समस्या से कोई साधन नहीं है, मर रहे हैं परिवार से, मंगा की सूजी लग वहाँ जाकर लड़का की तरह आई लेकिन बैठाल नहीं, वो तैयार है उपास ना, मजबूरी हमारे समस्या पे क्या करें, दोनों तो ऐसे बसर कर रहे हैं, वही परिवार है तो बसर तो कर रहे थे। तो समस्या सबसे ज्यादा कि हमारा रोड मिल जाए तो हमारे समस्या। क्या नाम बताओ आपका? क्या दिक्कत है आपको? यहाँ बीमारी है, हमारे बच्चों की स्कूल के पढ़ाई लिखाई जाके तो नाती ने करवा दी, अब जब बाजार न सूजी का ना काम सरकार का सब कन्हैया होता, अब नहीं आई हिम्मत तालाब बला थे कन्हैया में को लइए, अब जाएंगे भारत से मजदूरी में, आ नहीं रोड का कोई आओ थी होटल जा रहे हैं, यहीं कहीं होटल ले आपकी कसम खा जी, क्रिया खा जी, पीछा के नहीं आया 13-12 प्रधान जीवन न हो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये वही शहीद परिवार का घर है, मैं उसी शहीद परिवार के घर के सामने मौजूद हूँ। यहाँ 5-5 लोग अभी आर्मी में हैं, ये कैसी सरकारें और कैसे अधिकारी हैं कि शहीद के गांव को ही
विकास की राह नहीं दे पा रहे तो आखिरकार आम गांव में क्या विकास होगा। आपको बता दूं कि ये वही ओम मणि वर्मा का क्षेत्र है, विधायिका, भाजपा विधायिका का, जो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। वोट लेने तो आती है, वोट के बाद जनता का हाल नहीं जानती। ये इस तरह की विधायिका है। यहाँ पर देख लीजिए कि मैं बच्चों को दिखा दूं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। मेरे साथ वृद्ध भी मौजूद हैं, मेरे साथ महिलाएं भी मौजूद थीं, लेकिन सब रो रो के अपना बयान कर रही हैं। लेकिन यहाँ के ना विधायक ना यहाँ के अधिकारी इनका दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। ग्राम पंचायत के पांडेपुरवा में जब 2017 में एक आर्मी के जवान राम बहुरी मिश्रा जी शहीद हुए थे, और उस शहादत में लगभग जिले के सारे आला अधिकारी और सारे जनप्रतिनिधि यहाँ मौके पर आए थे, और मौके पर आने के बाद उनको आश्वासन दिया गया परिवार को कि इस रोड को बनवाया जाएगा और उनके शहीद के नाम पर स्मृति द्वार बनवाया जाएगा। लेकिन अभी भी मैं आपको दिखा दूं, ये उसी शहीद परिवार का घर है, राम बहुरी मिश्रा का, जो आज तक देखिए किसी भी तरह की सुविधा उनको उपलब्ध नहीं कराई गई, और रोड से इस तरह की खराब रोड से चलने को इस गांव के लोग मजबूर हैं। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिरकार कि क्या मामला है, किस तरह से अधिकारियों ने आश्वासन दिया था और अभी तक उस आश्वासन को पूरा नहीं किया। क्या नाम है? क्या मामला है पूरा? कब? जब हमारे भाई शहीद, जब शहीद हुए, जब सांसद भैरव प्रसाद जी थे, तहसीलदार आए, एसडीएम साहब आए और भैरव प्रसाद आए, यहाँ घोषणा करके और वहाँ स्मारक बनवाएंगे, यहाँ गेट बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, और हम तो अपनी दिक्कत पर हैं, अब आगे क्या कहें साहब, हो क्या करें, कोई कोई सुन नहीं रहा है, रात में बीमार हो जाएं, मर जाएं, मुझे तो मिलते नहीं योगी साहब, तो रात दिन खटा रहा हूँ कि उनसे अपनी ये कल्पना तो सुना सकूं। उनका कार्यक्रम देखते हैं कि आज यहाँ बुलडोजर चल रहा है, इतना अच्छा लागत कि हमारे अतरा तहसील का कब जमुना नौमत योगी साहब लेप पलाओ थे, तो नाप जाति सड़क ये थे, तो वही नाप जाति हुआ थे, तो हम तुम अब लड़त रहा और रास्ता है ही नहीं यहाँ, मतलब यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं सब जमुना मनोभ्रष्टाचार का काम है, जितने भी है लेप पाल से लगा के, कानून को से लगा के, नहीं सरकारी अस्पताल जाओ तो सिर्फ पर्चा भरकती है और सब दवाई बाहर, कौन दवाई नहीं चाहे जब जा जाऊँ मैं, कौन दवाई नहीं दे, अतारा तहसील कहा हमारे भ्रष्टाचार का तो भाई नहीं है। 2017 का मामला है, 2017 से 24 साल गया, अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ, तो आप भी गए होंगे किसी विधायक में, विधायक से गए पर साल जो ना साल भर जो ना जैसे गए ने काबाज दिया वो मणि वर्मा थे, तीन का गए क्या बोलते हैं, ठीक है आश्वासन दे दिया और पर साल जो ना कहीं हुआ उनको ये 4 महीने निकलने के लिए वो कर देते हैं, तो सब जो ना प्रधान खा गए और अन्य का तो कुछ नहीं, कहीं इतने कब होगा वो इतने कब होगा, अपन कागज वो पैसा निकलवा के अपन पैसा खा देते, तो कुछ नहीं हो रहा। देखिए हमारे साथ शहीद राम बहुरी मिश्रा जी की माता जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि आखिरकार ये सारा मामला क्या है, क्यों नहीं अभी तक रोड बनी, क्या नाम है माता जी? अच्छा, तो आपके बेटे जो है अब जो है कौन सा संस्था 2017 में अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, मालूम है इस पर क्या कहा था? परेशानी है ना, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं शहीद परिवार का घर देखिए किस तरह का बना है, आप देख सकते हैं ये उसी शहीद परिवार का घर है जो 2017 में आर्मी में
शहीद हुए ड्यूटी के दौरान, और जब उनको इस गांव में लाया गया तो 1 किलोमीटर गाड़ी रोककर पार्थिव शरीर को कंधों पर लाया गया, और कंधों पर लाने के बाद यहां तमाम अधिकारियों ने, नेताओं ने आश्वासन दिया कि शहीद स्मारक गेट होगा और शहीद के नाम से सड़क होगी। लेकिन अभी तक 2017 से 2024 आ गया, लेकिन किसी अधिकारी और नेता ने यहां का हाल जानने की कोशिश नहीं की। मैं आपको बता दूं कि वही योगी मोदी शहीदों के लिए आंसू बहाते हैं, पर इस शहीद के लिए आंसू बहाने कौन आएगा? न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से पंकज त्रिपाठी, बांगा।